जय माँ कर्णिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नीरू राठौड़ में। कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के 10 बज रही है और सारा डेली रूटीन वाला काम हो गया है। बस मेरे रूम की क्लीनिंग रही है जो अब करूँगी मैं, और साथ में अभी मैंने व्लॉग एडिट करके डाला है, मतलब 4-5 दिन का था दिवाली के बाद का, तो वो अभी अपलोड किया है मैंने। उसे अपलोडिंग पे लगा के फिर ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मेमोरी भी जल्दी फुल हो जाती है, तो मैं इस वजह से एडिट करके उसको अपलोड करके फिर नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और क्या बताना है, अभी तक का तो ये अपडेट है, आगे देखते हैं क्या करेंगे जो करेंगे आप लोगों के साथ शेयर। और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और पसंद आने पे लाइक शेयर कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अभी रूम देख लो आप कैसा हो रहा है ना, मतलब वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं है पर थोड़ा सा है। अभी ऐसे चुटकी बजाऊंगी और सारा काम देखना कंप्लीट हो जाएगा। तो लीजी फाइनली रूम मैंने क्लीन कर लिया, मतलब आज की डस्टिंग हो गई है। ये देख लो, कहीं भी गंदगी नहीं है एक भी चीज़। अब किट्टू आएगी उसके बाद ही हो सकता है, क्योंकि वो करती है, बाकी मैं कुछ भी खेला नहीं करती क्योंकि मैं बच्ची थोड़ी हूँ, वो कर देती है मेरे थोड़ा सा, बाकी डन है। अब मैं जाऊँगी नहाने। हाँ, तो अब मैं आप लोगों से सीधा नहा के मिलूंगी, क्योंकि अब मैं सीधा नहा लेती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाती है। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, बट ना मैं कल शाम को 4 बजे नहाई थी, 5 ही बज गई थी मुझे। और लेट किस लिए, पहले तो मैं बैठ गई थी ऐसे ही, और बाद में डिम्पी पैसा की वीडियोज़ बनानी थी, तो उस वजह से उनका भी YouTube चैनल है डिम्पल सिखावत के नाम से, तो इस वजह से नहीं उनके फिर वीडियोस बनाने के चक्कर में फिर मैं नहाई भी नहीं, मैं लेट हो गई। तो ये काम है। अभी मैं ना हमारे मतलब नया रैंप बन गया, मैं दिखाती हूँ गेट के वहाँ से, मतलब वापस टाइल लगवाई, पहले वाली बिल्कुल टूट गई थी, तो वो दिखाती हूँ। मतलब काम चल रहा है अभी, तो थोड़ा थोड़ा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बाहर बैठे हैं कोई, इसलिए मैंने चुपचाप से बनाया थोड़ा, बाद में नीचे जाऊंगी तो दिखाऊंगी। अरे काकू सा भी बैठे हैं और सब भी है, तो मैं पहले नहा के आती हूँ उसके बाद ही मिलती हूँ आप लोगों से। कैसे गंदी सी तो मेरी शक्ल हो रही है। तो मैं आ गई हूँ नहा के, और वही डेली वाला काम, स्किन केयर करूँगी पहले। मतलब मुझे ऐसा लगता है नहाने का काम सबसे बड़ा होता है, ये हो जाए तो ऐसा लगता है सारा काम हो गया। तब मैं नहा के आई हूँ तो स्किन केयर करूँगी, लिप बाम मैंने पहले लगा ली, लिप बाम ही लगाई, लिपस्टिक वगैरह नहीं। और जल्दी स्किन पे कुछ लगाना पड़ता है, आजकल ड्राई जल्दी होने लग गई क्योंकि सर्दियों का मौसम है। स्लाइड से ऐसे अजीब सा हो रहा है, पिक्सल फट रहे हैं जैसे। तो चलो मैं स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैंने ऑयल मसाज करी है आज, हेड वॉश करना है कल इसलिए, तो ऑयल मसाज आज ही कर ली मैंने। अभी बाल टूट रहे हैं ना इस वजह से, बट मैं प्रोटीन की भी टेबलेट्स ले रही हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। मतलब बाल मतलब अब तो 10% ही टूट रहे हैं, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब उसके 10% ही रहे, इतने टूटते हैं। बाकी अभी टेबलेट्स लेती हूँ डेली, और अब ऑयल मसाज करिए, कल हेड वॉश करना है इसलिए। अब खाएंगे खाना, तो चलो चलते हैं बाहर। और थोड़ी सी आज मुझे सिलाई भी करनी है, वो भी करूँगी सिलाई भी, 2-3 सूट पड़े मेरे वो भी सिलने हैं। और पहले खाना खाती हूँ फिर सिलाई करने बैठेंगे। बीच में याद आया मुझे खाना याद दिखाना है कि मैं खा रही हूँ, मैं और ये डिम्पी पैसा, हम दोनों खा रहे खाना। खाना वाना खा के हम हो गए फ्री, और फोन आ रखा तो सब बातों में लगे। अब करेंगे थोड़ी देर सिलाई होगी पूरी, मेरे से हाथ से गलती से लग गई। ले इधर आ जा मेरे पास, सॉरी बोल दिया ना, आईज में लग गई इसके, वेन में से उतर रही थी जब लगी, तो जब आए थे जब गरम गरम लगाऊं लुगड़ी से फिर ठीक हो जाएगा। फोटो बना रहे इसकी, वीडियो बना रहे। हाँ ये देखो हमारी किट्टू है ना, सिलाई कर रही है, कर रही है ना किट्टू सिलाई, ये देखो इतना जोर लगा लगा। उधर खिचड़ा बनेगा इसलिए खिचड़े की प्रिपरेशन हो रही है, सिगड़ी जलाई है, खिचड़ा बनेगा। कचरा भी पड़ा, ये खिचड़ा कूटा है जो इससे कूटा था हमारे दस्ते से। बोगो इधर देखो तो बेटी, इधर देखो तो बेटू, बुगू बुगू बेटा खींची से मत करो। ये देखो अब जीजा खिचड़ा बनाएंगे, सिगड़ी में बाद में चढ़ाएंगे, पहले इसमें बॉईल करेंगे पानी, गरम हो गया है, गरम तो हो गया कौन जीजा, हो गया
हाँ मतलब थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद ये कीचड़ा डालते हैं और जैसे जैसे डालते हैं वैसे वैसे हिलाती भी रहते हैं साथ में, वरना इसमें फिर गाँठी बन जाती है। ज्यादा गर्म पानी भी ज्यादा गर्म पानी भी नहीं रखता, मतलब ज्यादा गर्म पानी भी नहीं रखना है तो ज्यादा ठंडा भी नहीं, मतलब गुनगुना हो जैसा। अब इसको लगातार हिलाते रहेंगे जब तक सही है। फिर इसके बाद इसको सिगड़ी पे चढ़ा देंगे। इसमें क्या डाला था, उल्ले चावल डाले इसमें बाजरे के साथ, कुटे हुए के साथ, और मूंग की दाल, मूंग की दाल मतलब, और मोटी दाल, और मोट की दाल, ये तीनों चीज डाली है। और नमक डालेंगे अब, मतलब जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग, बाकी बाद में बता दूंगी। वो ना खिचड़ा बनाना भी बता रही हूँ, मुझे खुद को नहीं आता फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे ही नहीं आता अभी तो, पर ये जीजा बनाएंगे तो आप लोगों को बता दूंगी क्या प्रोसेस रहता है। पहले वो कूटते हैं उस खिचड़े को, पहले उसको भिगोते हैं, उसके बाद उसको कूटते हैं ना जीजा, हाँ उसको कूटते हैं और फिर उसकी पता नहीं बालड़ी निकालते, हाँ मतलब उसकी बालड़ी निकालते थोड़ा सा कूट के उसको, मतलब ऐसे हाथों से मटके फिर उसको फटक के, और उसके बाद उसे वापस बारीक कूट लेते हैं तमाम दस्ते में, और उसके बाद इसको चढ़ाएं। अब इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे बनने में, और सर्दी स्टार्ट हो गई है तो खिचड़ा बनता भी है सर्दियों में, तो जीजा बना रहे हैं और मैं कर रही हूँ सिलाई, मैं मेरे काम पे जाती हूँ। अच्छी खासी हो गई है, अब इस पे चढ़ाएंगे खिचड़े को, तो मैं इसको उठा के यहाँ से वहाँ लेके जाती हूँ, गर्म है, अब इस पे रख देंगे क्योंकि ये सिगड़ी हो गई तो अब जल्दी बन जाएगा इस पे। अब ये अपना प्रोसेस करेंगे जिसे कवर फोटो में थाकी लगाऊ खींचा उठा तक मैं देखो इस सूट को सिल रही हूँ, वैसे सिलते तो जीजा ही बट भी उनको वो काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत मैं सिल भी देती हूँ, वरना वो ही सिलते हैं अधिकतर, बट आज मैं सिल रही हूँ। देखिए इधर डिम्पी भाई सभी सिलाई सीख रहे हैं तो उन्होंने मेरे लहंगे की मतलब कलियाँ जोड़ी है अभी, इस वाले लहंगे की मैं बहुत देर से हिला रही हूँ यार, बस व्लॉग बनाना याद ही है मुझे, कम से कम 15 मिनट तो हिला लिया मैंने। अब मैं आरती बज रही थी इसलिए मैं वापस सिलाई करूँगी थोड़ी देर, अब जीजा ही लाएंगे इसको। देव वीडियो की खातर चमचो हिला रहे ये देख लो सच्चाई दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे तो देखो काकी सा और मम्मी बन जीजा बना रहे हैं ना, और वहाँ पे डिम्पी भाई सा बना रहे, वो अकेले बैठ के बना रहे, देख लो ये देखो ये अकेले बना रहे, मतलब उनको ऐसे बता दिया वो खुद से बना लेते हैं ऐसे तो। और ये देखो दोनों यहाँ बना रहे, पंचायती मैडम ये बना रहे कम और पंचायती ज्यादा कर रहे हैं। किट्टू के पापा आए हैं, मतलब नंदन पापा, चलो तो क्या लाए हैं इसके लिए, ओ माय गॉड क्या लाए हैं, ट्रैक्टर और ये ट्रक, वाह यार किट्टू मजे हो गए। कौन लेके आया किट्टू, पापा लेके, मैं बैग वैग नहीं चेक करो, फिर इसको भट्टे पे ले जाना नंदन पापा के साथ ही, है ना, ट्रैक्टर से तो तुम है ना मिट्टी, नहीं ट्रैक्टर से तो तुम वो मिट्टी उठा लेना वहां पे और ईटे रख के आ जाना किसी के, ये मजे हो गए किट्टू के तो मजे हो गए। ये हमारे बना जी आ गए हैं जल्दी रेस्टोरेंट से, किस लिए आए इनसे पूछा जाए, किस लिए आए बना बताओ से, बताओ जुखाम, मतलब अभी तो बाजार में ही नहीं पहुंची होगी और इनके लग गई, दवाई लेके भी आ गए, और मैं कभी जुखाम की कभी भी दवाई लेती हूँ आप खुद बताओ, और आप लेते हो ये देखो फटाफट, अब खाना दे दो इनको जल्दी से, और खाना खाएंगे और दवाई लेंगे और सीधे सो जाएंगे, बस इतना आता है इनको, एक दवाई लेके सोना आता है, कभी भी सुला लो इनको आलसी। किट्टू पापा आ गए, पापा की जुखाम लग रही है, मूड अपसेट है किट्टू का, क्या हुआ था बेटा, किसने डांटा था, कौन डांटे थे, नाम बता, नित्या जी के भाई सोनू जी है वो, हाँ। वो डांटे, ये देखो खिचड़ा बन के रेडी, भोग लगा दिया, ये खिचड़ा है, अब इसमें डालेंगे ये गुड़, और जिसको पसंद हो तिल के तेल से खाना वो तो इसको खाएगा तिल के तेल से, और बाकी जिसको घी से पसंद है वो खाएगा घी से, पहले का लोग तो सब तिल का तेल खाता है जो सर्दी में अधिकतर तिल को तेल से ही रहा, बाकी अब वाले लोग स्टैंडर्ड हो गए वो घी से खाते हैं, तिल का तेल नहीं खाते हैं।
ये मेरी बोलने की स्टाइल है यार, इग्नोर करना। मैं ऐसे इतर के बोलती हूँ कभी कभी। अब इसमें घी डाल के ये बन्ना को पकड़ाती हूँ, उसके बाद हम लोग खाएंगे। भोग तो लगे लड्डू के जीत पे लगा दिए काकी सा, लड्डू का नहीं काकी सा लगा। ये मेरी चम्मच, ये बना के ये कट्टू के, और अब बहुत आ जाओ बना। गरम है ही नहीं इतना। तो सबसे पहला खाना, मतलब इस सर्दियों का सबसे पहला ये खिचड़ा है हमारा, देसी खाना। हाँ मैंने देखी, इधर आओ व्लॉग में दिखाती हूँ। आओ इधर आओ, आओ पास में देखो किट्टू की मेहंदी देखो। ये देखो छुंदे छुंदे मेहंदी बनवाई है, ये दाता के साथ जाके लेके आई है अपने। ओहो छुंदे छुंदे मेहंदी है बेतू के, तो ला जाओ खिचड़ा खाएंगे अपन। कमेंट करके आप लोग बताना किस किस ने खिचड़ा खा रखा है और किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब बना वगैरह को इतना नहीं है इनको, बाकी मुझे पसंद है। और किट्टू भी खाएंगे। किट्टू कैसा लगा, टेस्टी? इसमें बताओ एक बार, ब्लॉग में बताओ, इधर मुंह करके बताओ तो बेटा। मतलब इंजॉय कर रही है अपना खाना, तो मैं भी इंजॉय करती हूँ मेरा खाना। गुड मॉर्निंग, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, और मुझे ना किसी ने ऐसे कमेंट करके बोला था कि आप ना आइस पे ज़्यादा हाथ लगाते हो, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि नहीं लगाऊं। शायद मुझे नहीं पता चलता, पर आप लोगों को पता चला है तो आपने सजेशन दिया है, तो ठीक है आगे से मैं ध्यान रखूंगी, बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। और अभी उठी हूँ मैं, और डेली रूटीन वाला काम चल रहा है, मेरे रूम की क्लीनिंग तो बाकी है। मेरे रूम की क्लीनिंग बाकी है, वो करूँगी, और ऑयल मसाज करूँगी, हेड वॉश करना है इसलिए। और क्या है, किट्टू जा चुकी है। किट्टू अभी अपने पापा के साथ रेस्टोरेंट गई है, क्योंकि आज संडे है तो वो आज रेस्टोरेंट जाएगी। वो नीचे चली गई, और शायद बना मंदिर गए हुए हैं, तो वो मंदिर से आके शायद ऊपर आएंगे, या फिर सीधे नीचे से ही चले जाएंगे, पता नहीं। तो ये है अभी तक का अपडेट, बाकी आगे देखते हैं क्या करेंगे। लो दूर हो तो जब तो बनाओ। ये वरना मंदिर जाके आ ही गए, और अब ये जा रहे हैं रेस्टोरेंट। तबीयत ठीक हो गई क्या आपकी? दवाई लो, मतलब तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है ना, बुखार थोड़ी है। ये नहा धो के हो गए, अब जाएंगे भाई रेस्टोरेंट। ये मैगी भेज देना, घर का सामान, एक एक चीज बतानी पड़ती है उनको 10 बार जब जाके काम होता है। आज सारे ना कॉटन वाले सूट तो मैंने रख दिए, मतलब जो कॉटन के जोड़ वाले, और ये जो 4 मीटर वाले सूट है ना, ये निकाले पहनने के लिए, तो अब ये पहनना स्टार्ट करूँगी मैं। निकाले बैठ में उसमें सांस बहुत आलसी हुई, इसकी ओढ़नी ख़राब हो गई, इस पर शायद ओढ़नी मंगाऊँगी रेड कलर की। ये कब का सूट है, मतलब मेरे पास इतने पुराने सूट पड़े, शायद मैंने उनको अभी तक एक एक बार भी नहीं पहना है। ये सूट भी मेरे नावन पे मम्मी ने करवाया था, यहाँ से मम्मी ने, और ये शायद मामा ने करवाया था, और वो एक जीजा ने करवाया, वो तो मैंने पहन लिया, पर ये उस टाइम के। ये सारे सूट ही मतलब बहुत पुराने हैं, मम्मी ने भी दिए ना अजमेर से, तो कम से कम 3-4 साल पुराने हैं ये कपड़े, जो अभी तक नहीं पहने, तो अब इन सबको पहनने डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सूट हो गए। आज बहुत सारे कपड़े हो गए, भैया घूमने गए थे ना उस वजह से, भैया के हो गए 2-3 जोड़ी, बना के पापा के, तो सारे वॉश किए, अब नहाने जाऊंगी। जी जब नहा चुके हैं उनके कपड़े नीचे ले जाऊंगी। ये देखो किट्टू नहा दो के हो गए, अब मैं नहाने जाऊंगा ना बेटा। नहा लिया ना किट्टू तो? आ रही हूँ भी दादा, आ रही हूँ। इसकी आज आँख पता नहीं लग गई क्या हुआ है, रेड हो रही है, जो चश्मा ही लगा लिया कि आई फ्लू हो रहा है मेरे, है ना बेटा? आई फ्लू हो गया क्या? बता दे क्या हो रखा है। आई फ्लू कैसे?
शूज का है ये, शूज पहन ले, लो पहनो। शूज तो खुद से पहन लेती है, बस लेस बांधनी पड़ती है, बाकी पहन लेती है ना बेटा। मैं बांध दूंगी लेस, तू पहन ले, पहन ले तू तो। अब लेस बांध दूं, तेरे से नहीं बंधेगी बेटा, मैं बांध दूं, छोड़ो। अरे रुको ना, देख लो ये सोचती बन जाएगी मेरे से। नहीं बेटा नहीं होगा। मैं आई हूँ नहा के, हेड वॉश कर लिया मैंने, लेट ही हो गई, मैं नहाते नहाते कपड़े ज़्यादा थे तो उस वजह से। अब वैसे हाँ सूरज जी को जल चढ़ा दिया मैंने, और अब बस मुझे एक पार्ट और करना, मतलब करनी माता की चालीसा पढ़नी है, जमवाई चालीसा पढ़ ली मैंने, वो करूँगी और फिर खाऊँगी मैं खाना। और आज से मैंने ना 4 मीटर के सूट पहनना स्टार्ट कर दिए हैं, सर्दियों में पहनते हैं मतलब 4 मीटर के, और गर्मियों में जोड़ वाले, ऐसा सिस्टम है। तो अब मैं बस स्किन केयर वगैरह हो गया मेरा, बस बाल बाल सुलझाने हैं मुझे, और सब हो रखा है। बुग्गा आई हुई है, आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया बुग्गा कौन है, तो वो आई हुई है, वो खेल रही है बाहर, उसको सुलाऊंगी अभी। उसके दादी सा गए हुए हैं कहीं पे, इसलिए वो मेरे पास है, क्योंकि उसकी मम्मा यानी उसकी मम्मा ना अजमेर है, अभी वो जॉब करते हैं पुलिस में है वो, तो वहाँ है तो इसको साथ नहीं रख सकते, तो यहाँ रहती है ये, तो वो आज यहाँ छोड़ के चले गए, तो अभी मैं संभाल लूँगी। मैं जीजा मम्मी सब भी है मतलब घर में, तो रह जाएगी वो, ऐसे तो नहीं करते, पहले हमें जानती नहीं थी, आजकल जान पहचान हो गई हमारी, तो इसलिए रह जाती है। चलो तो मैं पार्ट कर लेती हूँ पहले। फाइनली मैंने इसको सुला दिया, नींद आ गई बेटी को, छोटे प्यारे से बेटा है। ड्राई शीट बिछा दी मैंने, मेरे पास किट्टू की पड़ी है, अभी आराम से सो जाएगी। ब्लैंकेट भी उड़ा दिए मैंने, क्या पता ठंड लगे, तो इतनी प्यारी सी बेटा सो गया, छाना सा बेटा है। तो आज खाने में बनी है बाजरे की रोटी, और ये शायद पालक, हाँ पालक की सब्जी, पालक और मूली। खाना नहीं चला, हाँ कि चलाना बुका वापस गुड, ये देखो बाजार से सामान लाने वाली हो गई है किट्टू, काकिस्तान ने मंगाए पोहे लेके आ रही, साक्षी में से पदवी ले ही। अब तेरी वीडियो बना ली मैंने किट्टू, वीडियो बना ली मैंने तेरी, दूसरी चप्पल बेरा। ये देखो लेट बात सही हो रहा है, काकी से कितनी उटाइल लग रही है। पूरे दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया था, सिलाई, और अब शाम हो गई, दिया बत्ती तो हो गई, कब की मतलब 6:30 हो रहे, 6:30 से ऊपर हो रहे, आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो जीजा बना रहे रोटी, कोई काम उनका, अब मैं देखिए सब्जी बनाती हूँ, कोई सब्जी बनाऊंगी, बाकी कोई काम नहीं अभी। पापा जिम रहे, सब्जी बन के रेडी है, थोड़ी सी बनाई है मैंने भैया जितना, क्योंकि सुबह की सब्जी है तो वो खाएंगे, मम्मी को पापड़ पसंद नहीं है, मैं और भैया ही खाने वाले हैं, तो हरा धनिया तो मुझे फेवरेट है मेरा, इसमें डाल रहा हूँ। ये छोटी सी कढ़ाई है मेरी, आज मैं ड्राइंग नहीं लूंगी। क्यों, अब देख ले तूने कितनी खोल ली है चेन खुद ने, पागल है तो पागल मैडम वर्क कर, पागल है पागल। ये क्या कर रहा है किट्टू, गीली हो रही टी शर्ट। अब मैं और जीजा खाएंगे खाना, जीजा लेके आ रहे हैं, दोनों बैठ के हम खाना खा लेंगे। वैसे अधिकतर हम साथ ही खाते हैं, या तो मैं और जीजा खाते हैं या फिर बना आ जाते, तो मैं और बना खा लेते। मेरे पूरे चेहरे पे है ना पिंपल्स हो रहे, पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ नहीं, बाजार नहीं,
ये हमारा खाना, हम कुछ इस तरीके से खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज टमाटर काट लिए। कितने कितने की है? 100-100 रुपए की शर्त लगा रहे बना इस बात की कि कल हमें काकू से कुछ पूछना है, तो अगर हम मैं जीत गई तो ये 100 रुपए देंगे। और ये एक बार भी नहीं किया। अभी कॉल लगाओ, कल नहीं, अभी। हाँ लो कॉल लगाओ, अभी लगा। डिम्मे साहब का फोन लगा, मेरा फोन ही बनी। रुको मैं भाई साहब को फोन दे, नहीं चालू अभी। मैं कह रहा था कल जागे नो दाद जी के से कि या अब्बा मैं जी महाराज के से बांधे। मैं कह जागे नो जंजाल दासा के दोला या अब्बा मैं जी के दोला जंजाल दोला दाद जी महाराज की ना दाद ये पूछो दाद जी के। अब तो बेकार तम जाए जंजाल जी बोलते हैं, मैं समझ लो बस। अब जंजाल जी तो खाना वगैरह खा के हो गए हम फ्री। आपने पहले देखा था और शर्ट लगाई थी वो भी मैं हार गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे जीत भी जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये कभी नहीं देते, मैं हर बार मैं ही जीतती हूँ, इस बार ही मैं हारी हूँ और ये कभी नहीं देते मुझे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, 2-2 दिन का व्लॉग बना रही हूँ मैं। तो व्लॉग एंड करते हैं, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खमा गणेशा।